ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव शीट, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3। कितने लोगों ने ट्राई की? वैसे ये ट्राई की है, 5-7 क्वेश्चन दिए थे, कितने दिए थे? 7-8 किए ट्राई। करेक्टनेस के ऊपर थे, मेरे को लगता है करेक्टनेस के ऊपर थे। ठीक है, जल्दी जा, लेने आएंगे आपको, लेने आएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3। देखो, ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर आपका पहला क्वेश्चन था कि इसका चेक करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इसके अंदर एच का मतलब लेंथ है, एल है। सिग्मा इसमें सरफेस टेंशन गिवन है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम टी माइनस टू। टू लेना नहीं, कॉस थीटा भी लेना नहीं, क्योंकि कॉस थीटा तो नंबर होगा, नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं। आर का मतलब लेंथ है, डी का मतलब डेंसिटी है, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, राइट क्या आएगा? 1। तो ये क्या आएगा? इन करेक्ट। क्लियर है? मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो इसको मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप आराम से इसको रेफर करना। ठीक, जैसे नेक्स्ट है, आपको चेक करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखने में वेलोसिटी लगती है, लेकिन ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी में टी की पावर -1। 1/2 पाई लेना नहीं। एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सेलेरेशन, एल का मतलब लेंथ, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अंडर रूट का मतलब हाफ। ठीक, सॉल्व करेंगे, एम से एम, एल से एल कैंसिल, तो अंडर रूट लेंगे टी की पावर -2 का, तो आंसर क्या आएगा? टी की पावर -1। तो चेक करो ये रिलेशन क्या मार्क करेंगे? करेक्ट है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ऐसे कि आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपको डी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो रूल तो ये बोलता है कि जिसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, ये एन का फॉर्मूला है, किसका बताना है? डी का। तो एक काम करते हैं, डी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। तो डी को एक तरफ रखा, x2 - x1 इधर आ गया, n2 - n1 डिनोमिनेटर में आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला किसका बता दूं? n का, इन दोनों का, इन दोनों का। माइनस साइन से डायमेंशन फॉर्मूले को फर्क पड़ता नहीं है। तो आप सोल्व करके क्या निकाल सकते हैं? डी का डायमेंशन फॉर्मूला। मेथड क्लियर है? तो मैं आपको बताऊं कि एन एक्स का मतलब, तो इसमें लेंथ है, तो एक्स का मतलब बिल्कुल क्लियर है, एल है। लेकिन n और n2 n1 क्या है, इसको देखने के लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। तो मुझे ऐसा लगा n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर तो नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो 1 होगा। लेकिन जब पूरा सेंटेंस पढ़ा तो क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। सेंटेंस पूरा पढ़ा तो n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में एरिया, डिनोमिनेटर में टाइम। तो n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम। तो ये स्टेप समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। टाइम का क्या होता है? टी होता है। सॉल्व करके ये आ गया। तो n निकाल लिया मैंने, एन तक कोई डाउट इसमें? ठीक, तो एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, वो सेम केस है ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया यूनिट टाइम। ऐसे एन वन एन टू क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन वन एन टू का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर क्या है? 1, और वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब। तो n1 n2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? l की पावर -3। यहां तक क्लियर है?
एन आ गया, एन वन एन टू आ गया, वैल्यू पुट करें, ये देखो एन का फॉर्मूला ये था, पुट कर दिया एक्स टू और एक्स वन क्या है लेंथ, तो अगर ये एल है ये भी एल है, एल में से एल गया तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, एल ही आएगी, जीरो नहीं आएगा, एल ही लिखना है, क्लियर है यहां तक। डिनोमिनेटर एन टू है, एन टू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, एल की पावर माइनस थ्री, तो एल की पावर माइनस थ्री में से एल की पावर माइनस थ्री माइनस हो गया तो आंसर क्या आएगा, एल की पावर माइनस थ्री, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो एक्स लेंथ कैसी हो, ओके वो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ एक्स, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वन एक्स टू वो मीटर में मेजर किए जाते हैं, लेंथ होती है वो, कि ओरिजिन से एक्स वन दूर आ गया, मैं ओरिजिन से एक्स टू दूर आ गया तो एक्स वन एक्स टू कोऑर्डिनेट्स हैं, वो लेंथ होती है, तो एल लेना पड़ेगा। तो पॉइंट सबको समझ में आया, ये कैसे करना है क्वेश्चन, परपेंडिकुलर हो चाहे डायरेक्शन जो, जो डायरेक्शन है डायमेंशन फॉर्मूला को फर्क कहाँ पड़ता है, अगर वो बोलता 60 डिग्री पे है तो भी क्या फर्क पड़ता था, एंगल इसमें मैटर करते कहाँ है, ठीक। ये हमने आज प्रैक्टिस कर ली, अगली बार आएगा आपको पता लगेगा हाँ डिवाइड होना है, सर ने बताया था डिवाइड होना है, इसको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक। जब पहली बार मैंने भी किया मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है, फिर दूसरी बार किया कुछ कुछ समझ में आया, 8-10 बार कर लिया, 20-25 बार कर लिया, यार ठीक है इसमें ऐसे ही करना होता है, ठीक है प्रैक्टिस होती है, देख देख के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट करेक्टनेस चेक करनी है, मेरे ख्याल से हो जाएगा करेक्टनेस चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लेफ्ट में पुट करेंगे, राइट में डेंसिटी है, लेंथ है, सरफेस टेंशन है, अंडर रूट है, सॉल्व करके आपके पास ये रिलेशन करेक्ट आएगा। तो कितनों का हो गया था करेक्ट, ये हो गया था, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉलन फ्रीली अंडर ग्रेविटी वेरीज एज जी की पावर पी एच की पावर क्यू, ये गिवन है, पी और क्यू निकालने, तो यहां पर कांस्टेंट लगाया, वेलोसिटी की जगह क्या पुट किया, डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन, जी का मतलब एक्सेलेरेशन, एच का मतलब डिस्टेंस, तो पावर्स एडजस्ट की, एल की पावर पी प्लस क्यू, टी की पावर माइनस टू पी, पावर्स को इक्वेट किया एल की पावर एल के साथ तो और टी की पावर टी के साथ, दो इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन से सीधा पी आ गया, पी आ गया तो समझो यहां से वैल्यू पुट करके क्या आ गया, क्यू भी आ गया, दोनों हाफ आ गए, तो बस ये ऑप्शन आ गया, हाफ एंड हाफ डन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वैल्यूज पुट करके डायमेंशन फॉर्मूला कंपेयर करके पावर पी एंड क्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, ठीक है ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया होती है, सब्जेक्टिव बहुत लंबी होती है, ऑब्जेक्टिव बहुत छोटी होती है, कैसे, आपको क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी वी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ लैम्डा रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, एक्सेलेरेशन रेज टू पावर सी, ए बी सी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला बनाओ, फिर आंसर मार्क करो। पर नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, फॉर्मूला उसने बना के दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो मैं ए बी सी नहीं निकाल लूंगा, इसमें शॉर्टकट लगाऊंगा, क्या शॉर्टकट, मैं पहले फर्स्ट ऑप्शन ले लूंगा, ये लिख ली फर्स्ट ऑप्शन, पहली ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, के तो कांस्टेंट है, जी का मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लैम्डा का मतलब एल है, इन्हें सॉल्व किया, सॉल्व करके टी की पावर माइनस वन आ गया, तो यानी कि ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं ऑप्शन नंबर क्या उठाऊंगा, टू उठाऊंगा, ऑप्शन नंबर टू लिखूंगा, ऑप्शन नंबर टू में वेलोसिटी का मतलब क्या है, एल टी माइनस वन, जी का मतलब एल टी माइनस टू, लैम्डा का मतलब लेंथ रेज टू पावर हाफ, सॉल्व करूंगा, अंडर रूट लूंगा, आंसर आ गया, बट जिसके साथ आंसर आ गया करेक्टनेस, बस वही आंसर है, कोई एबीसी नहीं, कोई पावर नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, क्या उल्टा ही काम हो गया, उल्टा सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्टिव में बड़ा क्वेश्चन हो गया एबीसी निकालना, ऑब्जेक्टिव में बहुत छोटा हो गया, बस कुछ नहीं करना, जिसकी करेक्टनेस सही होगी बस वो आंसर हो गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों क्लियर है, यस ठीक। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है, मास रेज टू पावर ए, प्रेशर रेज टू पावर पी, रेडियस आर रेज टू पावर सी, राइट, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। फिर वो कहेगा कि बताओ कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है,
और वो कह रहा है कांस्टेंट की वैल्यू इसमें कितनी है, हाफ। तो ये कांस्टेंट की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ। तो मेरा आंसर आएगा तो हाफ में ना, हाफ तो आएगा आंसर में। तो इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा, क्योंकि हाफ की जगह वो क्या दे रहा है, 1/3। ये तो रूल आउट हो गया। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं। दो ऑप्शन तो उड़ ही गए ना इस ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है। तो आपका नेक्स्ट तरीका क्या होगा, नेक्स्ट तरीका ऐसे शुरू होगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये मेथड मत लगाना, लंबा मेथड है, क्यों लगाएंगे आप, बेटर है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसको चेक करें, आप ये फॉर्मूला लिख लें, लिख लिया, एस का मतलब सरफेस टेंशन, पी का मतलब प्रेशर, आर का मतलब लेंथ। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सही बैठ गया, करेक्ट आ गया, बस ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, डन। क्या करोगे एबीसी निकाल के, बस जो आपको लग रहा है कि आंसर लग रहा है मुझे, लेफ्ट और राइट चेक कर लो, आंसर डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। जैसे ये एक और क्वेश्चन है, क्या लंबी कहानी है, स्मॉल स्टील बॉल, रेडियस आ रहा है, ग्रेविटी में गिर रहा है, विस्कस है, ईट है, टर्मिनल है, पता नहीं क्या कुछ है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर ए बी सी करो, सॉल्व करो, कुछ ना करो। वो कह रहा है बताओ आंसर कौन सा सही है, उठाओ ए ऑप्शन, उठा लो। पहला ऑप्शन उठा लिया, वी फॉर वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सेलेरेशन, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आर का मतलब लेंथ, सॉल्व करो। आंसर एग्जैक्टली मैच कर गया, लेफ्ट और राइट, ए ऑप्शन, बी सी डी चेक ही मत करो, आई गया आंसर डन। सिंगल चॉइस में तो एक ही आंसर आ गया, तो डन। तो क्या सही मेथड है, तो आपको एबीसी करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के अंदर, सब्जेक्टिव में जरूरत है। सीधे रास्ते से नहीं करना, आप सीधे रास्ते से करोगे तो आपको चाहे पूरे पेपर आता हो मेंस का या नीट का, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती भाई। उनको स्मार्ट बंदे चाहिए, उनको सीधे चलने वाले बंदे कहाँ चाहिए कि भाई ए बी सी निकलेगा तब आंसर आएगा। वो कहते हैं फटाफट क्विक, फटाफट बताओ कि सबसे पहले आंसर कौन निकालेगा, डन। तो ऑब्जेक्टिव का जो रूल है ना सॉल्व करने का, वो अलग है। ऑब्जेक्टिव का जो सोच है ना ऑब्जेक्टिव करने की, वो बिल्कुल अलग होती है, सब्जेक्टिव की सोच बिल्कुल अलग होती है। तो ये स्कूल लेवल की तो ठीक है जो हमने की शीट, पर ऑब्जेक्टिव में लंबे मेथड से, जितना लंबा मेथड होगा उतना नुकसान करेगा आपको, जितना छोटा मेथड होगा उतना ही आपको हेल्प करेगा। एक घंटे में यार 25 क्वेश्चन करने हैं, मजाक थोड़ी ना है कोई 25 न्यूमेरिकल करना, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आपने छोटा मेथड ही फॉलो करना है, बड़े मेथड फॉलो ही नहीं करने, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव करेंगे, अभी ना पूरा साल पड़ा है, आप देखना जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो बाद में पढ़ता हूँ, पहले देखता हूँ निकालना क्या है। कभी कभी तो मैं यूनिट्स ही चेक कर लेता हूँ, जैसे फोर्स निकालनी है, वो कहेगा ए ऑप्शन 10 न्यूटन, दूसरे में लिख देगा 10 जूल, भाई पता ही है जूल कहाँ से आएगा, रूल आउट, उड़ाऊ से। तो कहने का मतलब यूनिट से भी बहुत चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन सी ऑप्शन दो उड़ जाएंगी उसमें से। बताओ के बी सी में 50-50 लाइफ लाइन मिल गई, और क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्टिव में 50-50 मिल गया, और क्या दो में से एक आंसर मार्क करना है, कितनी बड़ी बात है यार, लाइफ लाइन मिल गई, दो ऑप्शन उड़ गए, और क्या चाहिए आपको, कुछ तो कर ही लोगे, कोई इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी आपको। अभी आपको ये थोड़ा हल्का लग रहा है, अब देखना जब आप टेस्ट के अंदर बैठेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आप किसी भी तरीके से, आप अभी नहीं, पहले तो ना शुरू शुरू में बच्चा अभी नए नए हो ना, सीधा रास्ता ही फॉलो करते हो, सीधा करना है, फिर थोड़े टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं यार इतना लंबा कौन करेगा, पहले ऑप्शन भी देख लें, ये लग नहीं रहा, ये तो यार उड़ेगा उड़ेगा पक्का, ये उड़ेगा उड़ेगा, कई बार तो 3 उड़ जाते हैं 30 सेकंड में, क्वेश्चन बार हो गया, ठीक, ज़्यादातर नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, 1 एटमॉस्फेयर 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 9 पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब एक तो सीधा बच्चा है, वो कहता है ये M1 L1 T1 M2 N2 T2 करके फॉर्मूला लिखेंगे करेंगे, मैं नहीं करूँगा, मैंने साइड बेस रफ में लिखा, न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, सीधा लिख दिया 10 की पावर 5 डाइन। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व किया, सॉल्व करके एक मिनट में आंसर आ गया, मैं क्यों लिखूंगा M1 L1 T2। हाँ अगर स्कूल लेवल आ गया फिर वो करूँगा मेथड 2, ऑब्जेक्टिव आ गया तो मेरी मर्जी, मेरे से कौन सा पूछ रहा है कोई कैसे किया,
ऑब्जेक्टिव में तो एबीसी मार्क होगा और तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जैसे मर्जी करूं, तो मेरे को मेथड वन सही लगा, मैंने मेथड वन यूज़ कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि मेथड वन फटाफट 2 सेकंड में काम कर गया अपना। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है कि आपको इसमें से कौन सा डायमेंशन वन रूल आउट करोगे। अब देखो ना, रूल आउट तो ऑड मैन कौन है इसमें? कह रहे ये के फॉर एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या बात बनी भाई? फोर्स होती है, गलत। नेक्स्ट, एनर्जी कहता है एम स्क्वायर वी क्यूब के इक्वल है, ये कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का? मैंने नहीं सुना, रूल आउट, गलत। एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए क्या होती है? फोर्स। अब अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, पर फोर्स और एनर्जी का मैच नहीं कर सकता। गलत 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 और गलत। तो फिर कौन दिख रहा है आपको सही आंसर? एक वैसे तो दिख ही रहा है कि इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ही आंसर है, पर पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसको करने में बहुत टाइम भी लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। और सोचो मैंने इसमें नन उड़ा दिया, नन आता नहीं है, छोड़ दो इसे। मेरी तरफ से इन तीनों में से एक आंसर है, ठीक है, इन तीनों में से एक आंसर है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? इफ वेलोसिटी सी, वेलोसिटी वी की जगह सिंबल क्या कर लिया? सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, होती वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी सी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच आर चोजन एज अ फंडामेंटल यूनिट। जबकि फंडामेंटल यूनिट क्या थे? एम एल टी, फंडामेंटल यूनिट होते हैं, एम एल टी होता है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरी मेरे यहाँ पे कंट्री में एम एल टी नहीं चलता, मेरी कंट्री में चलता है सी जी एच। तो कह रहे हैं कि इस केस में बताओ फिर मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ सी जी एंड एच। तो जो तो सीधे रास्ते से काम करेंगे वो कहेंगे देखो जो मास का फॉर्मूला बताना है, मास किस फॉर्म में बताना है, एच में, सी में और जी में, तो मास प्रोपोर्शनल टू एच रेज टू पावर ए, सी रेज टू पावर बी, जी रेज टू पावर सी। फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, एच का, मास का, सी का, जी का, ए बी सी सॉल्व करेंगे, ए बी सी को पुट करेंगे, ए बी सी पुट करके हाफ हाफ माइनस हाफ आएगा तो आंसर आएगा। ये तो अभी एक पार्ट हुआ, फिर किसको निकालेंगे? लेंथ भी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेंथ डिपेंड अपॉन एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी, फिर डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर एबीसी सॉल्व करेंगे, फिर लेंथ में ये आएगा एबीसी। इतनी देर में तो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, कहेंगे इसकी जगह तो 2 क्वेश्चन और कर लूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, अगर आंसर ना आया फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर भी ना आया फिर 3 और करूंगा, मेरे से नहीं होता क्वेश्चन, सही मैं भी छोड़ दूंगा यार, कौन करेगा ये क्वेश्चन। ठीक, पहला मेथड तो फेल है यार, आता हो तब भी नहीं करना हमने, कौन करेगा इतना बड़ा क्वेश्चन एबीसी के लिए, राइट। दूसरा मेथड, चेक बाय ऑप्शंस, आप फर्स्ट ऑप्शन उठा लो एम, ये मैंने उठा लिया एम, एच का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट का, सी का पुट कर दो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पुट कर दो, रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर माइनस हाफ। तो एम की पावर हाफ, एल स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इज एल, माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ, सॉल्व करो आंसर एम आ गया, चलो मुबारक हो, पहली बार ऑप्शन आ गया, तो यानी कि ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन से चेक करना समझ में आ रहा है, यहां पर एच सी और जी का डायमेंशन वाला पुट कर दो, सॉल्व कर लो, अगर मास आ गया तो आंसर है, मास नहीं आया तो आंसर नहीं है। फिर ऐसी क्या चेक करोगे? एल को। फिर किसे चेक करोगे? टी को। हाँ बिल्कुल सही, हम इतना लंबा करने से पहले थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को देख लेंगे। अगर हम ध्यान से देखें L का और T का ऑप्शन, देखो H की पावर, C की पावर, G की पावर सब में सेम है, इसका मतलब कि L और T तो इन्हीं में से एक आएगा, तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा, L और T क्यों सॉल्व करूंगा, पता ही है L और T का आंसर तो यही है, कॉमन है, किसे चेक करना है? सिर्फ मास को, पहला ऑप्शन मास चेक करेंगे, फिर दूसरा मास चेक करेंगे, अगर ना आया तो, वैसे तो पहली बार में आ ही गया आंसर, तो ए ऑप्शन आ गया, अगर ना आता फिर सिर्फ मैं ये चेक करता, ना आता फिर ये चेक करता, फिर इनको चेक करने की जरूरत है ही नहीं मुझे,
नहीं नन नन तो हटा देने, नन आता नहीं, आएगा ही नहीं नन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, नन कैसे आएगा मैंने टाइप किया क्वेश्चन, नन नहीं आ सकता, ठीक है, तो किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है, ठीक। और ये जितने नन है ना, ये मैंने ही लगाए हुए हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, वैसे नन नहीं आता, फिर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कुछ दिनों के बाद, फिर आप उठा उठा के ऑप्शन इलिमिनेशन पे आ जाएंगे, छोड़ यार सॉल्व क्या करना, ये लग नहीं रहा उड़ाओ, सर ने कहा था लग नहीं रहा, चल इसको उड़ा दो, इस जो आ गया आंसर डी, फिर आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब मैंने जान के नन दिया हुआ, कम से कम आप सॉल्व तो करेंगे, शुरू शुरू में आप सॉल्व करवाना चाहता हूँ, बाद में नन हट जाएगा, फिर आप इलिमिनेशन पर खेलेंगे, ये भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, ये भी आउट है, ये भी आउट है, चलो डन, तभी तो लोग ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खुश हैं। तो क्या करना है उसमें, दो तो वैसे उड़ा देते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल ही जाते हैं करके, ठीक। इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी निकालना, किया हमने आज ये क्वेश्चन, कैसे करना था ये लिख लिया, अगर एक्स लेंथ है तो ए टी भी एल है, बी टी स्क्वायर भी एल है, ऐसे होगा ना, तो ए टी अगर एल है तो टी इधर जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस वन, आज किया हमने क्वेश्चन। ऐसे अगर बी टी स्क्वायर एल है तो टाइम स्क्वायर नीचे आ गया, एल टी माइनस टू। उसने पूछा बी के यूनिट्स क्या हैं, तो मैंने देखा बी के यूनिट्स हैं मीटर सेकेंड रेज टू पावर माइनस टू, यानी कि सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड में आंसर नहीं था, मीटर आर स्क्वायर है, तो कोई बात एक ही बात है, मीटर पर आर स्क्वायर एक ही बात है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया तो यहां से यूनिट्स भी तो मैच कर ही सकते हो, ऑप्शन साथ साथ देखनी पड़ेगी ना, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है 13th इक्वेशन है वही सेम जो की थी, अब इस बार जो ये वेव की इक्वेशन है कोई भी, और इस इक्वेशन में ए ओमेगा एक्स अपॉन ये वी है कि न्यू है मुझे पता नहीं, वेलोसिटी भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, वो क्या कह रहा है वी इज लीनियर वेलोसिटी, तो चलो ये वी है और ये के है, आपको क्या निकालना है, के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए पहले ठीक तरह करके लिखो इसे, ओमेगा ब्रैकेट के कॉमन है, ओमेगा को मल्टीप्लाई करो ऐसे लिखो, कर लिया। अब क्योंकि ये एंगल है, एंगल क्या होता है डायमेंशनलेस, और अगर एंगल डायमेंशनलेस है तो ये पूरा का पूरा वन है, वन का मतलब ये भी वन है और ये भी वन है, राइट। तो अगर ये वन है, अगर ये वन है तो के क्या आएगा वन बाय, और ओमेगा क्या होता है टी की पावर माइनस वन, याद है एंगुलर वेलोसिटी टी की पावर माइनस वन, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा टी बन जाएगा। तो रूल समझ में आ रहा है, तो एंगल्स को देखते ही आपने क्या कर देना है, इसको वन कर देना है, अगर ये वन है तो ये भी वन है और ये भी वन है, तो ये वन है तो के निकालना है, ओमेगा टी की पावर माइनस वन है, इसके नीचे चला जाएगा आंसर। तो आइडिया क्लियर है कि इन टाइप की क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, और खतरनाक इक्वेशन करती है कुछ, ये देखो क्या 2a sin 2 पाई सी टी बाई लैमडा कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाई लैमडा, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या किया वैसे, ये जो भी किया तो किया कोई बात नहीं, पर इतना समझ में आता है इस इक्वेशन को देखते ये एंगल है डायमेंशनलेस है, ये एंगल है डायमेंशनलेस है, ये तो मुझे समझ में आता है, मैंने लिख लिया, लिख के मैं देख रहा हूँ ऑप्शंस क्या पूछ रहे, मेरा इससे आंसर ही नहीं आया, लिख दिया आप भी ऐसे ही करोगे क्योंकि फिर आगे आंसर ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन पढ़ी नहीं निकालना क्या है, फिर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया और फिर मैंने ऑप्शंस को देखा। पहले एक बात बताओ, इसके अंदर c का मतलब क्या है वेलोसिटी, t का मतलब क्या है टाइम, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब l, x क्या होता है l, लैम्डा क्या होता है l, राइट। तो हमें यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें इन चारों में से क्या है रॉन्ग है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या है, यूनिट ऑफ सी टी इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, अच्छा लैम्डा के यूनिट क्या होते हैं एल, सी स्पीड के यूनिट क्या होते हैं एल टी माइनस वन, इन टू टाइम के क्या होते हैं टी, तो आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, तो एल और एल बराबर, ये ऑप्शन करेक्ट है, पर हमने तो रॉन्ग बतानी है तो आंसर नहीं है। एक्स के यूनिट और लैम्डा के यूनिट सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है क्योंकि दोनों के दोनों एल है, अरे करेक्ट आ गया, ये आंसर नहीं, हमें रॉन्ग बताना है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ 2 पाई सी बाय लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई सी बाय लैम्डा टी, क्या बोलते हो सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते,
नहीं भाई, एक में टाइम मिसिंग है, एक में टाइम सेम कैसे होंगे, एक में टाइम है एक में टाइम नहीं, तो टाइम में डिफरेंस तो आ ही जाएगा, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शंस, दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं आएगा, तो हम तो चाहते हैं कि ना आए, हम तो रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क कर रहे हैं, तो वो कह रहा है ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, दिस इज दी आंसर, ये आंसर है इसका, समझ में आया यहाँ तक। आखिरी ऑप्शन क्या है, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा एंड एक्स बाय लैम्डा सेम है, कैसे सेम होगा, ये लेंथ है ये लेंथ है, कट के आंसर आएगा 1, ये लेंथ है ये कम से कम लेंथ तो नहीं है ना, तो आंसर वैसे भी सेम नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी है ऑप्शन डी भी है, दोनों रॉन्ग है। आपको कि मल्टीपल चॉइस भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस सिर्फ एडवांस में आईआईटी में आता है, नीट और मेन सिंगल चॉइस होती है, एडवांस मल्टीपल होता है, एडवांस में चार ऑप्शंस हैं, चार में से एनी वन भी ठीक हो सकता है, टू भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चारों के चारों ठीक हो सकते हैं, आपको मल्टीपल मार्क करना होता है एडवांस के अंदर। अगर आपने मान लो चार तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं उसके, आपको सिर्फ एक ही आया, दो नहीं आए, तो उस केस में आपको एक जो आपने करेक्ट किया उसके मार्क्स मिल जाएंगे, पार्शल चेकिंग बोलते हैं इसे, तो उनकी मशीन पार्शल चेकिंग करती है, अगर आप तीन आंसर करेक्ट हैं इसमें से आप दो मार्क कर पाए, आपको दो के आंसर मिलेंगे, तीन करेक्ट हैं एक ठीक किए दो गलत कर दिए, तो दो काट लेगा नंबर मशीन आपकी, कटिंग हो जाएगी आपकी वो नेगेटिव, एक का सही आंसर आएगा। एडवांस में सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, मेंस नीट में एक ऑप्शन आया तो नेक्स्ट पक्का ही सिंगल चॉइस है, मल्टीपल होता ही नहीं उसमें, 100% सिंगल चॉइस होगी, एडवांस नीट दोनों सिंगल पे चलती हैं, जिसका पहला ऑप्शन आ गया बस करेक्ट है डन, तभी तो लेवल में फर्क है ना यार, क्लियर है, ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, कि ये एंगल है के टी, के का निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला, ये यूनिट्स निकालने हैं, साइन स्क्वायर के आगे जो भी टर्म है वो क्या है, एंगल 1, तो फिर के का क्या होगा 1/t, 1/ टाइम क्या होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या मेजर करते हैं हर्ट्स, क्लियर है यहाँ तक, टाइम क्या हुआ है, ठीक है यहाँ तक। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, तो आपने नेक्स्ट टाइम ये 7-8 क्वेश्चन, ये शीट अपलोड गूगल ड्राइव पे मैंने कर दी है या कर दूंगा अभी, तो आपने क्या करना है, पहले ट्राई करनी है शीट, फिर इसको चेक भी करना है, ताकि नंबर ऑफ डाउट्स हमारे अगली क्लास में कम से कम हो, और हमने अगले चैप्टर में मूव करें, ऐसा ना हो सर ये भी बता दो ये भी बता दो ये भी बता दो, पूछ लो, पर याद रहे अपना टाइम खराब करोगे।